हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अम्ल, जिसे हम एसिड बोलते हैं। आइए यहाँ पे देखें, अम्ल की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं अम्ल के। प्राचीन अवधारणा के हिसाब से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जब नीला लिटमस लेंगे तो उसके अंदर जब उसको जब हम लोग एसिड में डुबोएंगे तो वह नीले से लाल हो जाएगा, तो कहेंगे कि दिया गया पदार्थ क्या है, आपका अम्ल है। आइए आर्हेनियस के हिसाब से वे पदार्थ जो जली विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एच सी एल है, तो जब तोड़ा गया तो एच सी एल क्या दे रहा है, एच प्लस दे रहा है, सी एल माइनस। इसी के वजह से एच देने के वजह से, एच प्लस देने की वजह से इस पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, अम्ल। ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा के हिसाब से क्या है कि जब वह पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन आयन देते हैं, क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, एच प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन को देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, आपका अम्ल बोलते हैं। अर्थात प्रोटॉन विनियम सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन दाता वाले पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, हम लोग अम्ल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एच सी एल को जल में जब घोला जाता है तो इसका जो एच है वो एच टू ओ से जुड़ करके हाइड्रोजनियम आयन बना देता है और सी एल माइनस हटा देता है। एक मतलब कि ये त्याग रहा है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया, आपका अम्ल हो गया। आइए लुईस अवधारणा के हिसाब से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो ग्रहण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, हम लोग अम्ल बोलते हैं। यहाँ देखिए H3N है, ये लोन पेयर है, ये आपका क्या है, HCl है। जब रिएक्शन होता है तो ये अपना लोन पेयर इनको दे देता है, ये इंडिकेशन है, इसलिए ये कहलाते हैं क्या, अम्ल, क्योंकि इन्होंने क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है। इस तरह हमारी परिभाषा हुई। आइए प्रकार देखते हैं, कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाए, अपने आयनों में टूट जाए, वियोजित हो जाए पूरी तरह से, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हम लोग प्रबल अम्ल। जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये लोग क्या है, प्रबल अम्ल है। जब इनको हम जल में घोलेंगे तो ये जल में पूरी तरह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। दूसरा है दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित या टूटते नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि HCN, CH3COH है, HCOH है, ये लोग क्या है, आपके दुर्बल। आइए कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी देखते हैं, कौन अधिक अम्ली है। तो यहाँ पे क्या है, HCl जो है ज्यादा अम्ल है, अम्ली है, फिर इसके बाद HNO3 का नंबर आता है, फिर H2SO4 का नंबर आता है, फिर CH3COH का नंबर आता है, फिर H2CO3 का है, आखिरी में HCl। ये प्रबलता है, इसके अनुसार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं रासायनिक गुण, अम्लों के जो रासायनिक गुण क्या है। अम्ल जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल जब धातु अम्ल है जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु जो होते हैं अम्ल के यच को, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के रूप में। यहां देखिए ZN है, जब इनका रिएक्शन H2SO4 से कराया जाता है तेजाब से या सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये जो ZN है इसको रिप्लेस कर देता है, तो बन जाता है ZnSO4 जो लवण है, जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। लगभग सभी धातुएं क्या होते हैं,
लगभग सभी जो धातुएं होती हैं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस। दूसरा अम्ल के जो रासायनिक गुण है, जब अम्ल का रिएक्शन किससे होगा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अम्ल की क्रिया होती है तो लवण बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। पहला जो एग्जाम्पल धातु कार्बोनेट का है, ये सोडियम कार्बोनेट है, जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल की प्राप्ति होती। तीसरा जो है रासायनिक गुण, जब क्षारक से अभिक्रिया करने पे, जब अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो भोजन अनपच हो जाता है, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, गैस बनने लगती है। उस गैस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से क्षारक लेते हैं, जैसे आपका बेकिंग सोडा हुआ या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होते हैं हम उसको हम लेते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को लेते हैं। जब हम लेते हैं तो वो जाकर के अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, इस तरह हमको एसिडिटी से क्या होता है, फायदा मिलता। तो इस प्रक्रिया को हम यहां पर देखिए, क्षारक जब अम्ल से क्रिया कर रहे हैं तो लवण बन रहा है, जल बन रहा है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्षारक है, जब अम्ल से क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो NaCl नमक प्राप्त होता है, इसे हम साल्ट बोलते हैं, साथ में क्या होता है, जल की प्राप्ति होती। धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, जो नीले रंग का अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, साथ में जल की प्राप्ति होती। बच्चों हम अब अम्लों के कुछ प्रकार है, कुछ नेचुरल अम्ल हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए प्रतिप्रदत्त अम्ल हैं, जैसे सिट्रस फल होते हैं, नींबू होता है, जितने भी खट्टे होते हैं फल उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं, सेब में मैलेइक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, इमली में टार्टरिक अम्ल है, सिरका जो एस्टिक अम्ल का उदाहरण है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह कुछ खनिज अम्ल होते हैं जो खनिजों से तैयार होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और फास्फोरिक अम्ल है। अब हम देखते हैं अम्लों से क्या लाभ है, जैसे यहाँ HCl है, कलई से पहले लोहे की चादर, जब लोहे के चादर को जब हम कलई करते हैं, कलर करना होता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से सफाई करते हैं, तो इसी अम्ल के द्वारा करते हैं। उद्योग धंधों में कपड़ा रंगने के काम में आता है, क्लोराइड एवं क्लोरीन गैस बनाने काम आता है, इसके अलावा बाथरूम क्लीनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, सोना और चांदी के शोधन में उपयोग होता है, उर्वरक के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में, रंग और औषधियों के निर्माण में HNO3 का उपयोग होता है। H2SO4 जिसका उर्वरक के रूप में भी काम आता है, धावन सोडा बनाने के भी काम आता है, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने के काम आता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम शोधन में, लेड बैक्टीरिया में विद्युत अभिघट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है।